चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम जानते थे कि 23 जुलाई 2024 को माननीय निर्मला सीतारमण जी 11 बजे बजट पेश करेंगी, जिस पर पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई थी। ठीक आज बजट पेश हुआ और आपको याद होगा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 5 मेरे जो अनुमान है उसमें इस बजट में कंपैरिजन होंगे, लेकिन उन 5 अनुमानों में से 3 अनुमान मेरे पूरे हुए। हालांकि दोनों अनुमान भी पूरे होना चाहिए था, लेकिन दोनों अनुमान पूरे नहीं हुए। उन 5 अनुमान में ऐसा था कि मैंने कहा था कि इनकम टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा ही कि इनकम टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए चेंज हुआ, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि स्लैब में 1 लाख रुपए उन्होंने चेंज किए। जैसे 3 से 6 लाख रुपए तक की स्लैब में 5% टैक्स था, तो उसमें 3 से 7 लाख रुपए तक के स्लैब कर दिए, उसमें 5% उसमें टैक्स है। यानी अगर पांचों अपन ने स्लैब को मिला है तो करदाताओं को 17,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसकी जेब में जाएंगे। अब सवाल उठता है कि पुरानी रिजीम जिसमें 2.5 लाख रुपए तक के स्लैब में छूट थी उसको भी बढ़ाना था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 3 लाख रुपए वाली स्लैब में ही बढ़ेगा। माननीय वित्त मंत्री ने भी आज कहा कि 3/4 टैक्स पेयर्स नई रिजीम में कन्वर्सन हो गए हैं, इसीलिए उनने शायद हो सकता है कि जो पुराने रिजीम है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए, तो इसीलिए उनने नई रिजीम में 1 लाख रुपए बढ़ाए हो। दूसरी बात मैंने कहा था कि इस स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया जाएगा, लेकिन उसको माननीय वित्त मंत्री ने 75,000 रुपए किया, यानी उसमें भी बढ़ाई। तीसरी बात मैंने कहा था कि विजन 2047 में एक विशाल लेवल पे चेंज होगा। तो हमने देखे कि महिला, युवा, गरीब और किसान चारों को बहुत कुछ इसमें दिया गया है। हम बजट को महिला, किसान, गरीब, युवा, इनको एक ओरिएंटेड बजट अपन कह सकते हैं, क्योंकि 2047 में इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको बहुत कुछ दिया गया है। हमने देखे कि मैंने कहा था कि सेक्शन 80C में चेंज होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा था कि किसानों को 6 से 8 हज़ार रुपये मिलने लग जाएंगे, लेकिन उनको उसके तरफ से दूसरी बहुत सी चीज़ें दी गई है। कुल मिला के 5 में से 3 मेरी बातें पूरी हुई। दूसरा एक इसमें नई कुछ चीज़ें आई है, जैसे इनकम टैक्स एक 1961 की धारा 276B है, उसमें ऐसा है कि अगर आप TDS समय पर जमा नहीं करते तो उसमें पेनाल्टी के साथ साथ 7 साल की सजा है। अभी आज वित्त मंत्री ने उन 7 साल की सजा को रद्द कर दिया, यानी सिर्फ आपको पेनाल्टी लगेगी। दूसरा हमने इसमें देखे कि कैपिटल गेन जो अभी तक 20% पेड किया जाता था उसको घटा करके माननीय वित्त मंत्री ने 12.5% कर दिए, जो वो एक बहुत अच्छी बात है। तीसरा हमने देखे कि जो युवाओं को एक करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी, उसमें 5,000 रुपये उनको प्रति माह स्टाइपेंड भी मिलेगी। मुद्रा लोन, शिक्षा लोन, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें की गई है, इनकी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। एक कुल मिला करके हम बजट देखें तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मध्यम वर्गीय है उनको कुछ देने में कंजूसी की गई है। मध्यम वर्गीय को कुछ और भी कुछ देना था, क्योंकि आज हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा है, और पुरानी रिजीम जब तक ये चलती है उसमें भी उनको बढ़ाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिला के हम बजट पे अगर ओवरऑल नज़र डालेंगे तो बजट एक 2047 जो एक लक्ष्य है उसको पार करता हुआ, पूरा करता हुआ दिख रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।